मैं अपने परिवार को यहाँ पर सबके नाम लेने तो संभव नहीं है ना, तो सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें एक तरफ से, इधर हमारे साथी लोग बैठे हुए रघुवीर जी हैं यहाँ से एक तरफ से लेकर के जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, तो सबको मेरा प्रणाम। हमारे अधिकारी लोग, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर भास्कर जी और सारे लोग, हम लोग सब एक ही परिवार के लोग हैं। और मैंने दो चार दिन से चिंतन किया अधिवर्षता के बारे में, तो मैंने इसका ये अर्थ निकाला कि अगर ऐसी कुछ नियम होता तो जब तक बस की ये बात है करते हो, तो एक दिन ऐसा आता कि अधिक से अधिक लोग गए वो लाठी टेक टेक करके सीढ़ी में उठाने पड़ते ऊपर ले जाने के लिए, और नौकरी करते रहते कोई मना नहीं करता कभी भी नहीं, और वही मुड़क रहे। एक साथी है सर मेरे, वो हटवाल जी है, ऐसे सुनाई दे रहे क्या बिना इसके बोले? एक साथी है हमारे, वो हटवाल जी है, डिप्टी सीएमओ, रिटायर्ड हो गए, घूमते रहते हैं। तो मेरी एक आदत है कि जिसको मैं दो बार देख लूंगा, पहले दिन तो मेरे को हिस्टार्ड होते, मैं उसको नमस्कार जरूर करता हूँ प्रणाम करके। तो वो फिर मैंने कहा ठीक आदमी होगा तो एक दिन तब दोबारा नहीं करूँगा, और अगर वो स्वीकार कर लिया तो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं बात करें। तो एक दिन वो डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हैं और अब वो कोई दवाई बट्टी काम करते नहीं 78 साल। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है नौटियाल जी, दो दिन तक तो नहीं पहचाने मेरे को, 3-4 दिन तक मैं फिर दोबारा बोला तो वो नहीं पहचाने, थोड़ा सा 78। उन्होंने कहा भाई देखो मेरी एज भले ही 78 ईयर्स हो गई है, लेकिन मेरी डिफिनेशन में, वो मेडिकल की भाषा में, बुढ़ापन की जो अवस्था है, बुढ़ापन जिसको बोलते हैं, वो 85 ईयर्स के बाद शुरू होती है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा बहुत वीकनेस आ गई, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो 60 साल के बाद आदमी कोई दिक्कत नहीं उसको, वो बिल्कुल फिट है। दूसरी बात मेरा इसमें है, वैसे पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर एक साथ हम बैठते तो बहुत मज़ा आता। यहाँ पर एक कर्नल हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं मद्रास के, गणेशम मेरे पास है, उसकी कटिंग लिखी हुई है। उन्होंने कहा भाई रिटायर हो रहा हूँ मैं, टायर्ड नहीं हो रहा हूँ, मैं थका नहीं हूँ। और उसके बाद जब उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया तो उन्होंने कुछ इनोवेटिव वर्क्स किए जो इसमें शॉर्ट में लिखे हुए, लेकिन मैं अभी मेरे को इतना याद भी नहीं है और इतना पढ़ने का समझ भी नहीं। तो उन्होंने जो इनोवेटिव काम किए उसमें से 26 तो पुरस्कृत हुए राष्ट्रपति के द्वारा, और आज वो बिल्कुल देश लेवल के आदमी है, बहुत अच्छे से काम किए उन्होंने। तो इतना है कि रिटायर्ड के बाद हम अच्छे काम करेंगे सब लोग। और मेरा आप लोगों से विनती ये है कि जहाँ तक मेरी बात है तो मैं बहुत गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरी माजी पिताजी ने बड़ी लगन, आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, माजी पिताजी को जानते हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे जीवन में, पढ़ाने में इतनी मेहनत की कि मेरी माजी को कभी कभी जो है पिताजी को भी 4-4, 5-5 साल बाद उनको दूसरा कपड़ा मिलता था पहनने को, बहुत मेहनत की। और उन्होंने जो है घास काटा, घर घर का काम किया, हमारे पास 15-20 बकरियाँ होती थी, 4-4 भैंसें होती थी, उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, अपनी मेहनत करके। पर हमारे पिताजी ने कभी मजदूरी नहीं की, अपनी खेती बाड़ी में काम की और बहुत मेहनत की। उसके बाद हम टोटल मिला करके 5 और 3 8 भाई बहन। जब मेरी जॉब लग गई संयोग से उनके आशीर्वाद से, तो तब सारा जिम्मेदारी मैंने संभाल दी, इसलिए वो बड़े प्रसन्न रहे। माँ जी हमारी 86 ईयर्स की हमारे साथ हैं देहरादून में, पिताजी 2020 में गुजर गए, लंबी कहानी अलग बात है, लेकिन 98 ईयर्स में, और सब कुछ अच्छा है। तो आज हम उनके शुक्रगुजार रहे। हम जब इस विभाग में आए तो हमारा इतना बड़ा परिवार बन गया, इतना बड़ा परिवार बन गया, देखिए कितना बड़ा परिवार है, बहुत खुशी की बात है। और रिटायर्ड तो होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आपसे मेरी केवल एक विनती है, जो कि आपने यहाँ पर कहा भी, कि जब हम कोई भी काम जीवन में करें तो हमारे पास उस काम को करने के लिए भगवान ने जितनी अकल और बुद्धि दे रखी है उसको उस लगन से करें, उसमें टाल भराई ना करें, चाहे आप चिट्ठी बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि छोटे से छोटे काम करने के लिए तैयार है, अगर ऑफिस में झाड़ू भी लगाना पड़े तो लगाओ, घर भी लगाना पड़े तो लगाओ, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए काम करते समय, तो जो काम होगा बहुत अच्छा होगा और दिन में कोई दिक्कत नहीं। और जब आप ऐसा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो ना कोई कलंक लगेगा, ना कोई बदनामी होगी, और समय से कीर्ति मिलेगी बस।
और ऐसा डरना नहीं है कि भाई अब क्या होगा, 60 साल तक कहीं में फंसना जाऊंगा, कोई नहीं फंसता कहीं में, अगर हम ठीक ठाक हो जो क्यों फंसेगा भाई, कोई क्या ले जाएगा, अब हम अभी भी बोले क्या ले जाने किसी ने हमसे, तो सब ठीक है और समय बहुत कम है, इसलिए मैं सर बाद में आपको भी शुक्र गुजार हूँ, नमस्कार करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, और जब कल से मिलेंगे तो बस गर्मा गर्म ढंग से आपकी चाय पियेंगे, आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खुश रहेंगे, और सबको मेरा प्रणाम।